आपके विंडोज पीसी या आपके जो लैपटॉप या कंप्यूटर पे किस तरह से आप वैम्प सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं और डाउनलोड कैसे करेंगे, ये मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ब्राउज़र पे जाइए। ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको इस वेबसाइट पे आना है, wampserver.com/en, अगर आपको इंग्लिश वेबसाइट खोलना है तो। नहीं तो ये अजीब सा कोई लैंग्वेज में आता है जो मुझे नहीं पता, शायद फ्रेंच लैंग्वेज है तो उस पर आता है, इसलिए आपको ये /en जो है वो लगा लेना चाहिए। मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा ताकि आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह पढ़ सकते हैं अगर अच्छा है तो, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड सेक्शन पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो वर्जन मिलेगा, एक है वैम्प सर्वर 64 बिट, आप यहाँ पे देख सकते हैं x64, और दूसरा है वैम्प सर्वर 32 बिट x86। तो ये आपका सिस्टम, जो भी आपका जो कंप्यूटर है या आपका कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन से बिट पे रन करता है वो पता कर लीजिए और उसी बिट को डाउनलोड कर सकते हैं आप। अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट है तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, पर मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपको 64 बिट ही यूज़ करना चाहिए। पर अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट पे रन करता है तो फिर 64 बिट आप यूज़ नहीं कर सकते, तो आपका जो कंप्यूटर सपोर्ट करेगा उसी को डाउनलोड कीजिएगा। अगर आप अगर देखें ध्यान से तो ये जो लेटेस्ट वर्जन है वैम्प सर्वर का उसमें क्या क्या आपको मिलेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि अपाची, PHP, MySQL, PHPMyAdmin, तो ये कौन सा वर्जन आपको मिलेगा वो डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिलहाल मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप वैम्प सर्वर 64 बिट जो लिखा हुआ है यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड के लिए एक पॉपअप आएगा। पॉपअप में कुछ वार्निंग्स है इससे रिलेटेड, जो वैम्प सर्वर से रिलेटेड, जैसे कि प्रीवियस वर्जन जो था उसका एक्सटेंशन वगैरह इस वर्जन पे काम नहीं करेगा, ऐसा ऐसा। तो ये आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस जगह पे आपको डाउनलोड डायरेक्टली जो लिंक दिख रहा है आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आप एक दूसरे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे जो कि है sourcepoj.net। तो यहाँ पे आपका जो डाउनलोड है वो ऑटोमेटिकली 5 सेकंड में स्टार्ट होगा। अगर स्टार्ट नहीं होता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिंक जो है यहाँ पे क्लिक करके, या फिर ये जो मिरर ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पे एक डाउनलोड पॉपअप आएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया था इसलिए डुप्लीकेट डाउनलोड लिंक क्लिक कर बॉक्स आया हुआ है। तो ये आपका जो है डाउनलोड लिंक आएगा यहाँ पे, डाउनलोड के लिए पॉपअप आएगा या फिर डायरेक्टली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने अपने कंप्यूटर पर जो फाइल डाउनलोड किया है तो उससे आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह से डाउनलोड होता है आपके कंप्यूटर पर। तो आपका जो फाइल है वैम्प सर्वर का वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेस्कटॉप पे मेरे। तो मैं इसे आप इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, वहाँ पे ओके दबाने के बाद यहाँ पे आप लैंग्वेज देख सकते हैं, सेटअप सेलेक्ट सेटअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश चुना हुआ है, उसके बाद ओके। तो यहाँ पे है एग्रीमेंट जिसको आपको एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट में क्लिक कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे, और यहाँ पे आपको ड्राइव चुनना है कि आप कहाँ पे ये जो वैम्प सर्वर है वो इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट। फिर ये आपका फोल्डर, मेन फोल्डर का नाम जो होगा वो, उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इसके बाद ये जो सर्वर है वो अपने आप इंस्टॉल होगा, आप बस वेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और स्किप करके डायरेक्टली इंस्टॉलेशन के बाद वापस आता हूँ। कि अब इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट होने वाला है, अब कुछ ही देर में शायद ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंटरनेट एक्सप्लोरर चुनने का ऑप्शन आया है, जो ब्राउज़र सिस्टम का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करता ही नहीं हूँ इसलिए मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद है नोटपैड, ये टेक्स्ट एडिटर चूज़ करने के लिए बोल रहा है, notepad.exe। मैं नोटपैड भी यूज़ नहीं करता, मैं दूसरा ब्रैकेट्स और नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पे भी नो क्लिक करूँगा। उसके बाद ये जो इंस्टॉलेशन है वो अब कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो सर्वर था वैम्प सर्वर वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अबाउट 30 सेकंड और चाहिए शायद, लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब ये इसके वैम्प सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो इंस्टॉलेशन था वो कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करके मैं बस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोगो आ चुका है यहाँ पे, इंस्टॉल हो चुका है ऑलरेडी। तो अगर आपको सर्वर जो है ऑन करना होगा तो आप यहाँ पे डबल टैप कर सकते हैं ऑन करने के लिए, उसके बाद यहाँ पे यस, और आपका जो सर्वर है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब रेड मार्क होता है तो
तो ये ऑन नहीं होता, ऑन होने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे अगर ग्रीन हो जाएगा तो आपका जो वेब सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल ये स्टार्ट नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड मार्क है। अगर येलो हो गया यानी कि कुछ सर्विसेज स्टार्ट हो गए हैं, और जब सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकल सर्वर सारे सर्विसेज रनिंग है, तो सारा सर्वर जो है ऑन हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ऑफ करना, ऑन करना और बहुत सारी चीज़ें चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं।